नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें चार क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है? जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696060898560880। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम कंप्लीट कर रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए इन दो नंबर्स पे आप कॉल करिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के इवैल्यूएशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके प्रोग्राम की जानकारी ले सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो जो अपडेट्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं वो यहां पे मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 यूपी स्पेसिफिक है। लास्ट टाइम हमने यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था सैंड माइनिंग को लेकर के, ठीक है? एक पॉलिसी हम यूपी स्पेसिफिक पढ़ चुके हैं, सैंड माइनिंग वाली पॉलिसी पढ़ी थी, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी पढ़ चुके हैं, आगे भी और कुछ कई सारी पॉलिसीज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? आज कल्चर का पार्ट देखते हैं। कहता है कि उत्तर प्रदेश हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ डांसेस। उत्तर प्रदेश में नृत्यों की समृद्ध परंपरा है। बेसिकली आपसे जानना चाह रहा है कि कौन कौन से डांस हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम। आपको पता है कि लखनऊ वगैरह में, नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया गया है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं आपसे पूछ सकता है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके क्या नुकसान थे, कि इसकी ज़रूरत पड़ी ये पूछ सकता है, ठीक है? तो पूछता है व्हाट आर द सम अदर रिफॉर्म्स। कहता है कि इसके अलावा और क्या रिफॉर्म आप पुलिस में सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है? तीसरा, शून्य आधारित बजट क्या होता है। आपके पेपर 3 के सिलेबस में टाइप्स ऑफ बजटिंग, उससे सवाल बनेगा कि अलग अलग तरीके के बजट हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से। एक बार हम जनरल बजटिंग पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है? तो ये शून्य आधारित बजटिंग, मतलब जीरो बेस्ड बजटिंग जो होती है उसके क्या लाभ हैं और ये क्या होती है। लास्ट क्वेश्चन एथिक्स का, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, नौकरशाही की जो अभिव्यक्ति है उसका जो रवैया है, और डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड यानी कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक रवैया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, एक सवाल, एक टॉपिक है आप में फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट। एक जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, उनके लिए कौन से मूल्य इम्पॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के लिए, उसमें आपसे पूछ सकता है कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक वैल्यूज होनी चाहिए, मूल्य होने चाहिए। तो उसी क्वेश्चन से रिलेट करके पूछ सकता है कि किस तरीके से भारत में आपको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की बजाय ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड देखने को मिलता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक जाना कैसे है और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कैसे आपको दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में रिच ट्रेडिशन है डांसर्स का। उत्तर प्रदेश की में नृत्यों की समृद्ध परंपरा है। अलग अलग तरीके के डांसर्स के बारे में हम बात करें। कहता है उत्तर प्रदेश इज अ प्लेस वेयर कथक विच इज अ क्लासिकल डांस फ्लरिश नॉट ओरिजिनेटेड। देखिए कथक एक जयपुर में भी मिलता है देखने को और एक यूपी में भी है, तो इसमें लेके मतभेद रहता है ये कि कहाँ शुरू हुआ कथक। तो इसीलिए आपको ये नहीं लिखना है कि उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई, आपको ये लिखना है कि ठीक है उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य जो है वो एक जो कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है वो पनपा, ठीक है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा, तो एक चूंकि ये क्लासिकल डांसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये वर्ड कथा से निकला है। कथा, कथा मतलब आपको पता है स्टोरी, तो जो कथक है वो कथा से निकला है। कथा मतलब स्टोरी होता है। इट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, इसीलिए लिखा है नॉर्दर्न इंडिया, मतलब उत्तर भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 7वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है? इसमें 7th century AD। कथक हैज़ वेरी इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट अलॉन्ग विद फेशियल एक्सप्रेशन। आपने कथक तो देखा ही होगा, उसी को थोड़ा शब्दों में बयान करना है भाई कि यहाँ पर क्या होता है, हाथों के साथ साथ पैरों की बहुत जटिल गतिविधि होती है ना, वो मूवमेंट्स होती हैं, इसी के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन
जो मतलब चेहरे की भाव होते हैं उनको भी चेंज किया जाता है म्यूजिक के अकॉर्डिंग। ये होता है कथक, इस तरीके से कुछ आपने उसको एक्सप्रेस किया है। फुटवर्क जो होता है मतलब पैर पैर से जो भी वो लोग स्टेप्स करते हैं, उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, कुछ वाद्य यंत्र भी होते हैं। वो क्या होते हैं? तबला आपने ज़रूर देखा होगा, कोई भी कथक का वीडियो देखा होगा, तबला और पखवाज। पखवाज ये लिखा है, पखवाज, तबला और पखवाज। तो आपने क्या क्या बोला? कथक वर्ड कथा से निकला, सातवीं सेंचुरी एडी में। हैंड फीट और फेशियल एक्सप्रेशन, हाथ पैर और जो चेहरे की बहुत भावों को चेंज किया जाता है, उसके साथ साथ कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तबला और पखवाज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कथक के अलावा कौन कौन से डांसर्स हैं उत्तर प्रदेश में? दूसरा है रसिया। रसिया राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करता है यह डांस। ठीक है, चरकुला और रसिया, चरकुला डांस है और रसिया डांस है, नेटिव टू ब्रज रीजन, उत्तर प्रदेश का जो ब्रज का भाग, ब्रज का जो क्षेत्र है, तो ब्रज या ब्रज भी आप बोलो, उस क्षेत्र में रसिया डांस जो होता है वो किया जाता है। ये है क्या? ये राधा और श्री कृष्ण के डांस को, सॉरी लव को डांस के फॉर्म में ये पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, लास्ट में नेक्स्ट है ख्याल। ख्याल फोक डांस क्या है? देखिए, ख्याल एक फोक डांस है। अब हम लोक नृत्य देख रहे हैं। डांस दो तरीके के होते हैं, एक है क्लासिकल, एक फोक। फोक मतलब जो आपस में लोक नृत्य होते हैं, और ये क्लासिकल तो आपको पता ही है, शास्त्रीय। रशिया हो गया, उसके बाद ख्याल। ख्याल, हाँ, यहाँ पे ख्याल में टेल ऑफ ब्रेवरी मतलब किसी की शौर्य की कोई भावनाएं हैं, कोई रोमांस है, और पुराण जो हमारे पुराण हैं, तो पुराणों से जो रोमांस की घटनाएं, भाव हैं, शौर्य की घटनाएं, इन सब से प्रेरित होकर के ख्याल डांस किया जाता है। ख्याल गाने होते हैं और इन पे फिर डांस है। ख्याल में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? ढोलक, हारमोनियम, ये ख्याल के परफॉर्मेंस में यूज होते हैं। ठीक है, कई बार आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि यार ये डांस है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, डांस एक तो एकदम एग्जैक्ट डांस होता है जिसमें पूरे के तो पूरे डांस ही आपको मिल रहा है, दूसरा एक होता है डांस ड्रामा जिसमें ड्रामा भी चल रहा है और कुछ कुछ डांस के भी एस्पेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे नौटंकी है, तो उसमें दोनों चीज़ की, एक कोई सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा डांस भी किया जा रहा है ना। तो फिर वो एक रसिया आगे मिल गया, ख्याल मिल गया, ढोलक का हारमोनियम याद रखिए, कारमा, कर्म या कर्मा जो भी आपको, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। किस चीज़ से रिलेटेड है? लोकल डीटी जो वहाँ के लोकल भगवान है, देवी देवता हैं, आर प्रेज इन द डांस फॉर्म। और ट्राइबल बेल्ट जो है बुंदेलखंड से रांची से लगती हुई ये जो बेल्ट है, यहाँ पर ये डांस बहुत फेमस है, कर्मा या कर्म। ठीक है, हमने पढ़ लिया कथक, रसिया, ख्याल और कर्मा। फिर आपको मिलेगा नौटंकी। नौटंकी में क्या है? नृत्य नाटक है ये, डांस ड्रामा है, स्टोरी लिरिकल फॉर्म में होती है, गा गा के कोई कहानी सुनाई जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोई सोशल मैसेज देना हो, उस तरीके की नौटंकी फिर की जाती है। इंटरनेशनल मूवमेंट के टाइम पे जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ अवेयरनेस जनरेट करने के लिए भी नौटंकी का प्रयोग होता था, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स और नेशनल फीलिंग्स, राष्ट्रीय भावनाएं और समकालीन सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। छपेली डांस या चपेली या छपेली जो भी है। ठीक है, द डांसर डिस्क्राइब द प्लीजेंट मेमोरीज ऑफ यूनिफिकेशन एंड सैड मोमेंट्स ऑफ सेपरेशन, यूजुअली लव सॉन्ग्स। इसमें क्या होते हैं, कुछ लव सॉन्ग्स होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है विलन के, जैसे जब लवर्स मिलेंगे तो उस समय जो जॉय है उसको फिर वो क्या नाम है, लव सॉन्ग्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, या फिर सेपरेशन के समय जो आप कह लो कि जुदा होते समय जो गाने वाने गाते हैं, वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं डांस करके। ठीक है, फिर कजरी डांस। कजरी में क्या है कि रेनी सीजन में मतलब मानसून के टाइम पे कई बार जब अपने घर वापस जाती हैं, मतलब अपने ससुराल से अपने वापस जो घर जाती हैं, अपने माँ बाप के घर जाती हैं, तो वहाँ पर फिर सावन के टाइम पे फिर नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के ऊपर लगा रहता है, क्या झूले वोले लगे रहते हैं, और इस तरीके के पूरे बैकड्रॉप में जो गाने वगैरह गाए जाते हैं और गाने के साथ साथ डांस होता है, ये वाला जो सिस्टम, ये कजरी डांस है। ठीक है,
तो हमने कुछ डांसर्स पढ़ लिए, इसमें कई सारे आपको उसमें भी मिलेंगे, म्यूजिक के साथ भी मिलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होता है। कथक पढ़ा, कजरी पढ़ा, छपेली पढ़ा, नौटंकी पढ़ा, कर्मा पढ़ा, रसिया और ख्याल, ठीक है। एक बार इनको देख लीजिएगा, देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो सबको मैक्सिमम चांस ये रहेगा कि सबको कम आएगा इनमें। तो अगर आप 8-9 नाम भी लिख के आओगे ना यार ठीक ठाक, तो आप और लोगों से तो अच्छा नंबर पा रहे हो ना। मोस्ट ऑफ टाइम यही होगा कि बाकी लोग तो एकदम ही गायब होंगे ऐसे सवालों में। तो इससे अच्छा कि कुछ आप लिख के आओ, बस नाम याद रखना है और कुछ खास नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम रिसेंटली अडॉप्टेड इन फ्यू सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट आर द सम अदर रिफॉर्म्स यू वांट टू प्रपोज फॉर पुलिस। मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में हाल ही में कमिश्नरेट प्रणाली अपनाई गई है, तो इसके क्या फ़ायदे नुकसान है ये तो आपको बात करना ही है। इसके अलावा ये लार्जर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स में और आप क्या बताना चाहते हो। बेसिकली इससे हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हमारे एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आ सकता है। एक तो डायरेक्टली आ सकता है यूपी में जो ये कमिश्नरेट सिस्टम है इसके बारे में, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि पुलिस रिफॉर्म आप क्या क्या करना चाहते हो। हालांकि पुलिस रिफॉर्म वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आपको ये जानना है कि अगर आपको पुलिस में रिफॉर्म बताना है तो आपको पहले तो ये भी बताना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी पुलिस में, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सो फैला, यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट इन विच एसपी हैज़ टू वर्क विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर सुपरवाइजिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। आज की डेट में क्या सिस्टम है अभी जो आप अपने शहरों में आमतौर पर देखते हैं कि जो एक तरीके की दोहरी प्रणाली चल रही है, उसमें क्या होता है कि जो एसपी साहब होते हैं उनको पुलिस प्रशासन जो होता है वो डीएम के साथ मिलकर, इसका ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे पुलिसिंग पावर्स भी हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं, इनको मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, मजिस्ट्रियल पावर भी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, मजिस्ट्रेट के पास पुलिसिंग पावर भी है और भी कई सारी पावर हैं। जैसे सीआरपीसी की कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो पुलिस बिना डीएम के या फिर एसडीएम के, तो एसडीएम यानी कि डीएसपी, तो डीएसपी साहब एसडीएम जी की अनुमति के बिना उन धाराओं को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे डीएम साहब की अनुमति के बिना एसपी साहब नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप। जैसे धारा 144 का अगर प्रयोग करना है, जिनको आप कर्फ्यू कहते हो, तो ये डीएम के ही ऑर्डर पे लगता है। इन्फोर्स कौन करेगा? पुलिस करवाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे अरेस्ट वारंट्स होते हैं जो आपका एसडीएम या डीएम इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो प्रोविजंस हैं, कई बार ये होता है कि ऐसे तलाशी के लिए, तो तलाशी के लिए कई सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो एक एसडीएम इशू कर सकता है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ मजिस्ट्रियल पावर रिजाइड्स विद द डीएम, डीएम के पास ही जो होता है वो मजिस्ट्रियल पावर होते हैं, पुलिस को इन्फोर्स कर रहा होता है। नॉर्मली ये सिस्टम होता है सिटीज़ में। अच्छा, क्यों ऐसा सिस्टम इन्फोर्स किया गया है? ऐसा सिस्टम इसलिए इन्फोर्स किया गया कि जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डीएम वगैरह वाली सिस्टम शुरू किया था, और उनका मेन उद्देश्य क्या था? लैंड रेवेन्यू वगैरह निकलवाना है लोगों से, और जो ब्रिटिशर्स जो सिस्टम ले आ रहे हैं उसको बेसिकली स्टेटस को यहाँ पे मेंटेन करना है। जैसे उन्होंने जो भी सिस्टम ला दिया, अच्छा बुरा जो भी ला दिया, शोषणकारी सिस्टम भी ला दिया, तो पुलिस का उस समय मेजर काम क्या था? जैसे आज लॉ एंड ऑर्डर है, उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर ही था, लेकिन उसका लॉ एंड ऑर्डर किसके हित में होना चाहिए? ब्रिटिशर्स के हित में होना चाहिए। तो इसलिए जो पुलिस के अधिकारी होते थे, सबसे जो आप कह लो कि सबसे क्रूअल टाइप के जो अधिकारी ब्रिटेन वगैरह से होते थे, उनको भेजा जाता था कि इंडिया में पुलिसिंग के लिए। अच्छा, ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो होना चाहिए था, कंट्रोल होना चाहिए था, इसलिए डीएम के अंदर इनको रखा गया, ठीक है। इनको अलग से पावर नहीं दी गई थी, पहली बात। इंडिपेंडेंस के बाद आप क्या देख रहे हो? पुलिस का रोल चेंज हुआ है। पुलिस आज की डेट में एक तरीके का स्टेटस को तो मेंटेन करती है, मतलब समाज में ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ पॉजिटिव रोल भी पुलिस प्ले कर रही है। मतलब पुलिस ने कहीं ना कहीं, आप ये देखोगे कि कहीं प्रोएक्टिव रोल भी उसको प्ले करना होता है।
किसी किसी जगह पे जाकर के वो झगड़े को सुलझाने की भी कोशिश करती है, हमेशा यही नहीं कि FIR लिख के और फिर इस तरीके से दंड देने की कोशिश करेगी। तो पुलिस का एक जो ह्यूमन एंगल है, ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, बिहेवियरल एंगल है, वो अब आ रहा है। तो पुलिस के एंगल, पुलिस के व्यूज़, पुलिस की वैल्यू, जो पुलिस के मूल्य हैं, उनमें चेंज हुआ है। इसलिए आज की डेट में वो सिस्टम नहीं काम कर सकता जो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज के सिस्टम की कुछ कमियाँ देखते हैं। आज के सिस्टम में क्या है कि DM को ही ये भी काम करना है, डेवलपमेंट का काम भी करना है, पुलिसिंग वाला भी, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर DM को दे रहे हो। तो दिक्कत क्या हो रही है कि दो इस तरीके के अलग अलग कार्यों के चक्कर में डेवलपमेंट वाला कार्य जो होता है वो पीछे छूट जाता है कहीं ना कहीं। एक आप ये बोल सकते हो कि ओवर बर्डन हो जाते हैं DM साहब, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका डेवलपमेंट वर्क, विकास कार्य में जो हो सकती है देरी हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है कि पुलिस का जो हेड है SP और DM, तो आपको क्या लगता है ज़मीन पे कौन ज़्यादा अच्छे से स्थिति को समझ रहा होगा लॉ एंड ऑर्डर की? SP साहब समझ रहे होंगे, लेकिन अगर इन केस में दोनों में मतभेद है तो जो रियल सफ़र कौन कर रहा है, किसको समस्या होगी, उन लोगों को होगी, पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि SP को पूरी समझ है कि क्या सिचुएशन है, क्या कैसे डील करना है। DM साहब से जस्ट बिकॉज उनका मतभेद था और चूंकि ये इनकी मदद के बिना काम ही नहीं कर सकते, इसलिए हो सकता है कि पीपल को सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। तीसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे केस में SP साहब भी जिम्मेदार थे, DM साहब भी जिम्मेदार थे, तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन अकाउंटेबल होगा ऐसी घटना में। आप कहोगे DM का पावर था, ठीक है, लेकिन चूंकि क्लियर कट अपॉर्चुनिटी वो नहीं है, सब कुछ डिवीजन नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो एक ये है कि अगर एक कोई अथॉरिटी होती, जैसे अभी कह रहे हो आप कमिश्नरेट में, वो सिस्टम अगर एक किसी की जिम्मेदारी होती कि SP की ही होती, तो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। कहता है कि जो सिस्टम अभी चला रहा है उसकी कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उसकी बुराइयाँ भी बहुत सारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारी दिक्कत करती है। जैसे पुलिस एक्ट जो है शायद 1861 की है, एक बार मैं चेक करके बताऊंगा या क्रॉस चेक आप कर लीजिएगा, अगर यही है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो पुलिस एक्ट जो है वो कहती है UP में कि हर 10 लाख पे जो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम होना चाहिए, ये वो एक्ट कहती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। जो IAS लॉबी है, IAS लॉबी हमेशा इस चीज़ को क्या करती आई है, इस पर प्रतिरोध करती आई है। बेसिकली जब DM से पावर मजिस्ट्रियल पावर SP के पास जाएगी तो IAS का पावर ही तो घट रहा है, इसलिए IAS लोग इसका हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। तो ये एक्ट में होने के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं कि लीगली ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, कमिश्नरी सिस्टम आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हर 10 लाख से अधिक वाली आबादी वाले शहर के लिए कमिश्नरी सिस्टम पुलिस एक्ट कहती है ना। अब कमिश्नरेट सिस्टम में क्या है? इन कमिश्नरेट सिस्टम द कमिश्नर ऑफ पुलिस इज हेड ऑफ अ यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर। पहली बात, आयुक्त जो आयुक्तालय प्रणाली जो है उसमें पुलिस आयुक्त जो होता है, SP जो होता है, वो एकीकृत पुलिस कमांड संरचना का प्रमुख होता है। जैसे डेवलपमेंट के लिए ये बात कह रहा हूँ, एक तरफ पुलिस का काम है, एक तरफ डेवलपमेंट का काम है, तो यहाँ पे हेड DM और फिर यहाँ पे पूरा नीचे नीचे चलता रहेगा, अलग अलग SDM होंगे, CDO साहब होंगे, और इस तरीके से डेवलपमेंट की एक हायरार्की बनेगी, ठीक है। पुलिस का फिर एक अलग बनेगा कि यहाँ पे कौन है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, फिर उसके बाद SP और इसका DSP और ऐसे करके इंस्पेक्टर, तो इनकी एक अलग प्रणाली बनेगी। तो इस पूरी प्रणाली का, पुलिस की प्रणाली में पूरा हेड कौन होगा ऊपर? कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये कह रहा है, ठीक है। और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स, फोर्स मतलब पुलिस, फॉर इन द सिटी एंड अकाउंटेबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये पुलिस की पूरी जिम्मेदारियाँ होंगी, वो कौन देखेगा? ये कमिश्नर ऑफ पुलिस देखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के प्रति डायरेक्टली जिम्मेदार होंगे ये, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देंगे ये लोग, पुलिस के मामले में अब DM से कोई लेना देना नहीं रहेगा। द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल्सो विल हैव मजिस्ट्रियल पावर इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेगुलेशन कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। आज की डेट में लाइसेंस की पावर हो गई, कई चीज़ को रेगुलेट करने की पावर हो गई, तो ये सारी पावर अभी DM के पास होती है। तो इस चीज़ को क्या कह रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास होना चाहिए, ठीक है। ये कमिश्नरेट सिस्टम की 2 पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़ लिए। तीसरा, कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है वो किस रैंक का ऑफिसर होता है? वो SP रैंक का नहीं होगा, वो DIG रैंक का ऑफिसर होता है, इज यूजुअली है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक या उससे ऊपर का ऑफिसर होगा,
और इसको कौन लोग असिस्ट करते हैं, इसको स्पेशल सेक्रेटरी सॉरी स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर जैसे पद जो हो सके अलग अलग इनको असिस्ट करेंगे, और ऊपर कौन बैठा है, डीआईजी रैंक ऑफिसर बैठा है। ये तीसरा पॉइंट हमने पढ़े कमिश्नरी प्रणाली का। चौथा क्या पढ़ा, अंडर कमिश्नरेट सिस्टम आयुक्तालय प्रणाली के तहत आयुक्त डीएम को रिपोर्ट नहीं करता है लेकिन सरकार को एक एकीकृत कमांड संरचना देता है ये, ठीक है। मतलब एक सरकार हो, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मान लो है, तो यहाँ पे ये उनको रिपोर्ट करेंगे, डीएम को रिपोर्ट नहीं करेंगे। द कमिश्नर डज नॉट रिपोर्ट टू द डीएम बट टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। गिव्स और ये क्या देता है आपको, एक इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। अब इसके फायदे हैं ये कि क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। कमिश्नरी एंड एलिमिनेट ब्लेम गेम, अभी आज की डेट में ब्लेम गेम चलता है, कह रहे डीएम साहब ने फोन ही नहीं उठाया दंगे टाइम पे, ऐसा टाइप कहेंगे। डीएम साहब कहेंगे हमने ऑर्डर दे दिया था लेकिन पता नहीं क्यों एसपी साहब ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है हमने तो अरेस्ट का ऑर्डर दिया था, ऐसा वैसा करके दो लोग हैं तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ऐसे ठहरा नहीं सकते। अभी ये क्या कह रहा है कि आपको हमने दे दिया क्या, इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर दे दिया। तो अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार, डीएम, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। फिर ये लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या पुलिस रिफॉर्म्स और आप सजेस्ट करोगे, तो कहता है कि पुलिस प्रणाली कितने अच्छे तरीके से काम करेगी, ये सिर्फ एक रिफॉर्म कमिश्नरी सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके अलावा और भी कई सारे आपको रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, वो ये कह रहा है, ठीक है। जैसे आप रिकमेंडेशन में हमेशा पुलिस रिफॉर्म का बात आए तो आपको एक कोर्ट केस याद रखना है, प्रकाश सिंह केस। तो प्रकाश सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिकमेंडेशंस दी थी, हमको 3-4 पढ़ना है यहाँ पर, 3-4 हमारे लिए बहुत है, 3-4 भी याद रहेगा वहाँ तो बहुत बढ़िया आपका आंसर हो जाएगा। पहला, आपको क्या समस्या नज़र आती है पुलिस में, आपको हमेशा देखता है कि हमेशा ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग इससे रिलेटेड समस्याएँ देखने को मिलती हैं। फिर आप कहोगे हमेशा इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस इन पुलिस, ये देखने को मिलती है, ठीक है। एक और दिक्कत देखने को मिलती है कि यही पुलिस वाले को लॉ एंड ऑर्डर वाला काम भी करना है, इसी को कोई घटना हो गई तो क्या इन्वेस्टिगेशन भी करना है, ठीक है। 3 प्रॉब्लम हमने पढ़ ली अभी तक, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रकाश सिंह केस के अंदर पहली बात बोलती है सुप्रीम कोर्ट, एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाइए, पुलिस स्थापना बोर्ड बनाइए, ठीक है, टू डिसाइड ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन रिलेटेड मैटर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड और बिलो रैंक ऑफ डीएसपी, डीएसपी रैंक का ऑफिसर है तो इन लोग की जो ऑफिसर है इस पद तक, तो मतलब बेसिकली क्या है कि इसका उद्देश्य आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग और इन सब चीज में जो काम कौन करेगा, ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड करेगा। अभी आज की डेट में जो सिस्टम चल रहा है वो नहीं कि जब मन तब किसी को ट्रांसफर कर दिया अपने मन से, ये नहीं, ये बोर्ड रहेगा, बोर्ड लिखित रूप में देगा कि हाँ इनको ट्रांसफर करने का क्या कारण है ये वो, ताकि बेसिकली करना ये क्या चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस का इतना गंदा इन्फ्लुएंस है पुलिस के ऊपर वो कम करो, पुलिस इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। फर्स्ट थिंग पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, सेकेंड थिंग आपको स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना, राज्य सुरक्षा आयोग, दैट गवर्नमेंट नो अनवांटेड इन्फ्लुएंस कर सके, गवर्नमेंट कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके पुलिस के ऊपर, और जो डीजीपी रैंक के ऑफिसर हैं उनको कम से कम 2 साल का टेन्योर मिले, कहीं जाएं तो उनको 2 साल तो उस पोस्ट पे रहना ही रहना है, ये नहीं कि तुरंत आया हटा दिए। हालांकि ये SI मतलब जो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर, उनके लिए भी कहता है कि उन लोग के लिए DSP जो हो गए SI हो गए इन सबको 2-2 साल का तो मिनिमम टेन्योर रहना चाहिए, उससे पहले आप जल्दी से मतलब एक्सेप्शनल केस में ही उससे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, नहीं करना है नहीं तो, ठीक है। दो चीज़ पढ़ी क्या, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड जो ट्रांसफर उस पर से रिलेटेड है, दूसरा है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, तीसरा है सेपरेट करना आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले पुलिस हैं और जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं तो उनको थोड़ा सा आपको अलग करना है, फोर्स में ही कुछ डिवीजन करिए, ताकि जो आप जुडिशियल डिले देखते हैं कि आप न्यायिक में इतनी सारी देर हो रही होती, कोई कोई केस इतने इतने साल खींच रहा है इंडिया में, वो चीज़ को एक कारण यही है कि इंडिया में ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत स्लो है, और उसका कारण क्या है कि यही पुलिस वाले को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, कहीं जुलूस निकल रहा है वो भी इसी को देखना है, कहीं घंटा मतलब झगड़ा हो गया वो भी इन्हीं को देखना है। तो इस तरीके से इनको कहता है कि आपको अलग करना है क्या, जांच वाली जो सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन है और कानून व्यवस्था, उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। ये 3 रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं,
इसके अलावा और भी कई सारे आप कॉमन सेंस से रिकमेंडेशन दे सकते हैं अगर इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा कि यार उनका वर्किंग आवर जो है उसको लिमिट करो, आज के डेट में 24 घंटा उनको काम करना पड़ता है तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था करिए। जो लोअर रैंक के ऑफिसर हैं, सिपाही वगैरह हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हैं, घर वर है जो ये सब मिल रहा है वो सब बहुत बुरा है, उसकी वजह से वो लोग प्रमोशन की तरफ मूव करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के और सारे आप रिकमेंडेशन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में। देखिए जेंडर बजट हमने पढ़ लिया अभी तक, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस साल पूछ सकता है आपसे टाइप्स ऑफ बजटिंग पे, टाइप्स ऑफ बजट पे हमारे सिलेबस में आई है, टाइप्स ऑफ बजट पे एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ, जेंडर बजट करा दिया और आउटकम बेस्ड बजट एक दिन कर लेंगे हम, और एक हम आज पढ़ रहे हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, तो जेंडर बेस्ड बजटिंग पढ़ते हैं भाई, सॉरी जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग होती क्या है? जीरो बेस्ड, शून्य आधारित बजट। नाम से ही लग रहा है कि कोई जो आधार है बजट बनाने का उसको आपको क्या करना है, शून्य। अब इसी के अगल बगल बस बातें करनी है, यही है जीरो बेस्ड बजटिंग। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगी पूरी बात। जीरो बेस्ड बजटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग बजट एवरी ईयर फ्रॉम स्क्रैच, मतलब शून्य से, एकदम शुरुआत से, फ्रॉम जीरो बेस। बेस आपको अपना जीरो मानना है, ठीक। शून्य आधारित बजटिंग में शून्य बेस से हर साल नए सिरे से बजट को बनाने की शुरुआत की जाती है। कॉन्सेप्ट की शुरुआत किसने की थी? पीटर फायर, इनको पीटर फायर इस तरीके से पढ़ते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं भाई साहब, और वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। किसके टाइम पे? जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे जिमी कार्टर, तो उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा हिस्ट्री, 1977, ठीक है। दो नाम, पीटर फायर और जिमी कार्टर। इट इन्वॉल्व्स रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिव्यू और जस्टिफिकेशन ऑफ ईच मिनिस्ट्रीज एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू रिसीव फंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में धन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय को अपने जो खर्च हैं उसकी समीक्षा करनी पड़ती है और उसका औचित्य बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है या कोई कोल्ड स्टोरेज हम बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज कोई एक साल में तो बना नहीं, एक साल हमने 1000 करोड़ रुपये दे दिए इनके लिए, ठीक है। अब 1000 करोड़ इस साल दे दिया है और 1000 करोड़ का लगभग काम भी हो गया है। अगले साल जब फिर से बजट की बात होगी तो आप बोलोगे कि 1000 करोड़ से अधिक हमको 500 करोड़ और चाहिए उस काम के लिए, ठीक है। 500 करोड़, 1000 करोड़ और चाहिए, आप मांगोगे कि किस लिए चाहिए? उसी कोल्ड स्टोरेज को पूरा करने के लिए चाहिए। तो ये यही कह रहा है कि अब जो ये मिनिस्ट्री है जो ये काम कर रही है उसको पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी इस चीज़ की, कि आपको फिर से रीज़न बताना पड़ेगा पूरा कि हाँ ये वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की क्यों ज़रूरत है, इस कोल्ड स्टोरेज से क्या फ़ायदा होगा, और इस काम जितना हमने किया है उससे क्या लग रहा है कि कब तक कार्य हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको पूरी समीक्षा करनी है और आपको फिर से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों हम आपको ये 500 करोड़ रुपया और दें। मतलब जस्टिफिकेशन इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि भैया 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं, 500 रुपया और कर देंगे, 500 करोड़ और कर देंगे तो काम पूरा हो जाएगा, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ये, फिर से बताना पड़ेगा कि क्यों ये जो प्रोजेक्ट है ये ज़रूरी है, ताकि अगर आपको पूरे प्रोसेस में कहीं भी लगे कि अब ये जो जिस उद्देश्य से कार्य शुरू किया गया था उसको नहीं पूरा कर सकता है तो ये 500 करोड़ रुपया भी क्यों खर्चा किया जाए, यहीं पर रोक दो इसको। ये है आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब हर साल हर प्रोग्राम की समीक्षा करो, हर साल चेक करो कि वह काम जिस लिए शुरू किया गया था उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जीरो बेस जीरो हो गया कि आपको हर साल जस्टिफाई करना है कि भैया फिर से पैसा चाहिए, फिर से बताओ। पुराने समय में क्या होता था कि जस्ट बिकॉज कोई स्कीम चल रही है फिर से दे दो, फिर से दे दो, ये नहीं होना चाहिए। आप इस साल फिर से समीक्षा करो जीरो बेस बना के, तो हो सकता है कि आपको पता चले कि यार स्कीम की अब तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, या जितना पैसा दे रहे हैं उससे अब कम देने की ज़रूरत है। हर साल की समीक्षा यह भी तो बताएगी। कई बार क्या होता है कि जब बजट आता है तो पूरा मीडिया आपके मतलब पीछे पड़ा होता है, न्यूज़पेपर, शेयर मार्केट, सब कोई ट्रैक कर रहा होता है आपको। तो मान लीजिए नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा है, तो उसमें मान लीजिए 5000 करोड़ एक बार साल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अब पूरा देश ये उम्मीद करता है कि सरकार के ऊपर एक तरीके का इनफॉर्मल प्रेशर बन जाता है कि इस साल इससे तो अधिक देना है,
5,000 करोड़ रुपए से अधिक देना है आपको। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग, कि हर साल बढ़ाना ही बढ़ाना है, एक तरीके का इनफॉर्मल प्रेशर हो। मीडिया में इस तरीके से रिपोर्ट जाती है, लोगों तक इस तरीके से खबर जाती है कि हाँ गरीबों के लिए सरकार कुछ काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसने बढ़ा दिया है, पहले इतना था अब थोड़ा बढ़ा के दे। ये बहुत ही गलत है देश की इकोनॉमी के लिए। आपको हर साल समीक्षा करना है। मे बी आप स्किल इंडिया वगैरह जो काम कर रहे हो उसकी वजह से कई सारी जनता जो है वो ये लेबर वाला काम करना ही नहीं चाह रही हो, तो क्या जरूरी है फिर भी मनरेगा में पैसा बढ़ाया ही जाए? नहीं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा आपको अगर आप हर साल समीक्षा करोगे? तो इसलिए इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि हर साल हर प्रोग्राम की समीक्षा की जाए और इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाए कि हाँ बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है इसके बजट का। ठीक है, ये पूरा पूरा आइडिया हो गया, बाकी अंग्रेजी लिखना है। ठीक है, तो जीरो बेस बजटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग बजट एवरी ईयर। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने। दूसरा पढ़ लिया, इवन ओल्ड एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस आर जस्टिफाइड। पुराने और आवर्ती खर्चों की भी समीक्षा होती है और उसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ये कह दिया वही बात। पहली बार जिमी कार्टर द्वारा अपने वित्तीय वर्ष 1977 में इस बजट को तैयार करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था को शुरुआत की गई थी। 1977 पीटर फायर यूनाइटेड स्टेट्स। इन ट्रेडिशनल इंक्रीमेंटल बजटिंग, देखिए वर्ड आ गया इंक्रीमेंटल बजटिंग, डिपार्टमेंट एक्सप्लेन्स ऑनली न्यू एडिशन वर्सेस पास्ट ईयर्स। इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है कि आपको बस ये जस्टिफाई करना पड़ता है, हर साल आज तक यही होता है कि इस साल 500 रुपया क्यों अधिक मांग रहे हैं। पूरा मामला हम नहीं देखते हैं, मतलब जैसे इस बार आपको, आज तक क्या होता था, आपको बजट बनाना है तो आप बोलोगे मनरेगा के अंदर हमको 500 करोड़ रुपये और रुपया चाहिए। पुराने की कोई अकाउंटिंग ही नहीं है, 500 और चाहिए ये। लेकिन मैंने वही बोला कि आप फिर से अगर पूरी समीक्षा करोगे तो हो सकता है आपको पता चलेगा कि स्किल इंडिया की वजह से कई लोग हैं जो मूव कर गए हैं लेबर सेक्टर से, अब वो स्किल्ड काम कर रहे हैं। तो ये 500 करोड़ की भी ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई? हो सकता है हमको मनरेगा ख़त्म ही करना हो। इसलिए जीरो बेस बजटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो आप बेस लाइन जिसको हम मान के चलते हैं कि हर साल ही ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, वो चीज़ नहीं माननी है, आपको हर चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा। लास्ट में क्या है, इन जीरो बेस्ड बजटिंग एवरी लाइन आइटम ऑफ द बजट मस्ट बी रीअसेस्ड एंड एक्सेप्टेड रादर देन ओनली चेंजेस। जितने परिवर्तन किए जा रहे हैं बजट में सिर्फ उसको नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, पूरे बजट को रीअसेस किया जा रहा है। ये कह रहा है, मतलब यही वाली बात को घुमा के बोला है। अच्छा, जब मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मैं जो पूरे आइडियाज देता हूँ, उसके बाद एक बार आप ये इस तरीके से जब खाली होता ही है, मतलब जब मैं इस पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी, तो इसको एक बार फिर से आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, तो फिर आप लोग को पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे मामले से अभी तक क्या है। पहला है कि फोकस ऑफ फाइनेंस जो होता है, मतलब जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका फोकस है आउटले ऑब्जेक्टिव्स पर हो जाता है। आउटले ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, कि जब आप कोई स्कीम निकालते हो शुरुआत में, तो आउटले मतलब जब आप एक बार पैसा देते हो, तो पैसा देते समय कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हो आप। अब होता क्या है कि कई साल अब ये स्कीम चल रही है, 5-6 साल इसका, तो 10 साल चलना है, तो 10 साल चलते चलते कहीं ना कहीं आउटले मिस हो जाता है, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव ही मिस हो जाता है। हर साल उद्देश्य यही रह जाता है कि यहाँ पैसा देते जाओ। लेकिन हर साल अगर आप समीक्षा करोगे तो हर साल इस ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करोगे कि भैया 5 साल में 50,000 करोड़ रुपया इतना खर्चा हो चुका है, तो हर साल इस ऑब्जेक्टिव से जब मैच करोगे तब ना फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि ये काम करना है नहीं करना है, हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो फोकस जो है फाइनेंस का, उसको आउटले के ऑब्जेक्टिव्स पे या स्कीम के ऑब्जेक्टिव पे लेके आता है, आप ये बोलोगे। वित्त के फोकस को उद्देश्यों पर केंद्रित करता है और उन उद्देश्यों से असंबंधित किसी भी गतिविधि को खारिज कर देगा। समझ रहे हैं आप, ये हो गया। दूसरा, इट कर्व्स द इंक्रीमेंटल बजटिंग। लोक लुभावन राजनीति के कारण जो वृद्धिशील बजट है, हर साल बढ़ाना ही हर स्कीम को, लोक लुभावन राजनीति चलती है, वो इकोनॉमी के लिए ख़राब है, उसको हटा देता ही है ना। दो पॉइंट हो गए। तीसरा, अल्टरनेटिव एंड एफिशिएंट मेथड्स टू यूटिलाइज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हर साल आप जब समीक्षा करोगे तो आप ये देखोगे कि यार ये काम जो था इसके लिए इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है अगर हम इस रास्ते से जाएं और हम टेक्नोलॉजी यूज करें, जनधन आधार मोबाइल और इस सब तरीके का काम करें, तो हो सकता है कि जितना पैसा खर्च करें उससे कम पे हो जाए। कुल मिला के एक 4 साल समीक्षा करोगे तो आपको कुछ अल्टरनेट, जो वैकल्पिक और कुशल तरीकों की जानकारी हो सकती है आपको। फिर एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी में क्या होता है, रेगुलर मेथड ऑफ बजटिंग इन्वॉल्व आर्बिट्ररी चेंजेस टू द प्रीवियस ईयर बजट। मान लीजिए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इस तरीके कोई सिस्टम नहीं है, मामने लगा रखा है नियम के द्वारा, तो बजट बनाते समय आप कोई मनमाना दाम मतलब वो मूल्य बोल सकते हो कि इस साल 5,000 करोड़ चाहिए, अगले साल फिर 6,000 करोड़। तो इसका बैकिंग कोई रिसर्च वगैरह बेस्ड होना चाहिए ना, क्या रिसर्च कर रहे हैं उसकी बेसिस पे कुछ फार्मूला वार्मूला लगा के फिर बता रहे हैं कि हाँ इतना पैसा चाहिए। तो वो चीज़ के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हर साल समीक्षा करोगे तो कुछ टेक्निक वगैरह आप यूज़ करोगे, टेक्निक वगैरह फिर आप जोड़ के निकालोगे कि मोस्ट एक्यूरेट तरीका क्या है, और आप एक्यूरेट जितनी भी डिमांड करोगे वो एकदम एक्यूरेट होगी। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। तो अननेसेसरी पैसा नहीं दिया जाएगा आपको कि मांगने को आप बहुत सारा मांग लेते हो फिर साल के अंत में पता चला खर्चा ही नहीं कर पाए, ये सब नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, कहीं कहीं ज़रूरी जगह आप हो सकता है पैसा ना दे पाए, इधर दे दिए, तो जितना जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्या कहता है, रिडक्शन इन रिडंडेंट एक्टिविटी, जो निरर्थक गतिविधियाँ हैं उसमें कमी आ जाएगी। कैसी निरर्थक गतिविधियाँ, इट्स लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। और उसकी वजह से वही बात है कि जो भी ऐसी, ये वाला पॉइंट जो था कि जो भी आपके उद्देश्य से असंबंधित चीज़ें हैं उनको आप हटा दोगे, खारिज कर दोगे। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग के। लास्ट में क्या कहता है, हाँ तो लास्ट में कहता है, इन 1986 द इंडियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड जीरो बेस्ड बजटिंग। इंडिया में कब से शुरू हो गया, 1986 से। ठीक है, 1986 है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा तो 1977 और पीटर फायर और जिमी कार्टर का पढ़ा था, ठीक है, 1986 से इंडिया का हो गया। जेंडर बेस्ड बजटिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इंडिया में जेंडर बेस्ड कब से शुरू हुआ, जरा कमेंट सेक्शन बताइएगा कब से शुरू हुआ है। सो गवर्नमेंट मेड इट कंपल्सरी है फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज टू रिव्यू इट्स एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम एंड प्रिपेयर एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन जेंडर बेस्ड बजटिंग। मतलब भारत में जो 1986 शुरू किया गया उसके बाद सरकार ने सभी मंत्रालयों के लिए ऐसा करना मतलब एक मैंडेटरी बना दिया है कि उनके लिए अनिवार्य है कि जीरो बेस्ड बजटिंग की अवधारणा पे उनको अपने खर्चों का आकलन करना है। ठीक है, लेकिन अच्छा हाँ एक और बात करता हूँ, 7वां पंचवर्षीय प्लान जो था उसके बाद जीरो बेस्ड बजटिंग पे कार्यक्रम शुरू किया गया इंडिया में, लेकिन यही है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस पर फोकस गवर्नमेंट का नहीं रह गया। मतलब ठीक है, यूज होता है, जैसे जेंडर बजटिंग तो होता ही, हर साल होता है। इस बार बजट डॉक्यूमेंट आप जब पढ़ेंगे या उनकी स्पीच सुनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसमें आपको जेंडर बजटिंग का दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने भाई दो पढ़ लिया, जेंडर बजटिंग पढ़ लिया, जीरो बेस्ड बजटिंग पढ़ लिया, अब आउटकम बेस्ड बजटिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीन में से एक तो पूछ ही सकता है, मुझे तो लग रहा है इसी साल पूछेगा, बाकी आपकी हमारी किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, नौकरशाही अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड से कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब ये कहीं और जा रहा है ये कहीं और जा रहा है, क्या दोनों में सामंजस्य है या नहीं है, ये आपको इस सवाल में करना है। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या पहले तो पता होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, कि ब्यूरोक्रेसी का क्या एटीट्यूड है, फिर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड पता होना चाहिए, फिर तो जज करोगे आप। ठीक है, देखते हैं एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है भाई। द एटीट्यूड हेल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी इन पब्लिक पार्लेंस इज ऑफन एसोसिएटेड विद नेगेटिव कॉनोटेशंस। अक्सर हमें क्या लगता है जब हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करते हैं, वो हमेशा हम नेगेटिव ही समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेकिन हमको पॉजिटिव भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो एटीट्यूड हेल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी इन पब्लिक पार्लेंस, मतलब इन जनरल लोगों को क्या लगता है कि मतलब इट इज़ नेगेटिव कॉनोटेशन, इट इज़ एसोसिएटेड विथ, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको क्या लगता है कि ये डोमिनेंस होगा, डिले, माई बाप एटीट्यूड, स्टेटस को, इलिटिज्म, रिजिडिटी, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये डिफाइन कर दिया इतने में ही आपने कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आप लगभग लोग क्या समझते हैं, कि यथास्थिति को मेंटेन करना है, माँ बाप माई बाप कल्चर, मतलब अधिकारी बाप हो गए, अधिकारी आपके माई बाप हैं, वो चाहेंगे तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर वो देरी करेंगे, अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करेंगे, यथास्थिति मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर हमें जो लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड लगभग इसी के आसपास में। अच्छा, ये क्यों लगता है,
क्योंकि कहीं हद तक सही भी है। हुआ क्या, मैक्स वेबर उन्होंने जब ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो उन्होंने कहा क्या है, आयरन केज है, आयरन का केज है, लोहे का पिंजरा एक तरीके से, वो सिर्फ रूल फॉलो करता है, रूल बेस्ड है, जो नियम कहेगा वो करेंगे, रूल के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ वो मतलब शक्ति नहीं हमारे पास, हम चाह के भी नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं, ठीक है, तो हम रूल फॉलो करेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट चलेंगे, कोई इमोशन का यहाँ रोल नहीं है, बिना इमोशन के है। तो ये कौन सब कह रहा है, ये सब मैक्स वेबर कह रहे हैं। अब मैक्स वेबर से प्रभावित होकर के जो ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी चलती थी। तो ब्यूरोक्रेसी का जो कॉलोनियल पास्ट रहा है, औपनिवेशिक जो आपका जो इतिहास रहा है, उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सब एटीट्यूड आया है। तो आप यहाँ से भी अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, ठीक है, और उसकी वजह से फिर ये सारे आप मूल्य या वैल्यूज़ के बारे में लिख सकते हो। अब कॉलोनियल लीगेसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, इट वॉज डिजाइंड, अब उस समय इसका उद्देश्य क्या था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और प्रमोट स्टेटस को, ब्रिटिश राज्य को बचा के रखना है, यथास्थिति को मेंटेन रखिए और प्रमोट करना है लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी रूल बेस्ड थी, आयरन केज बताया मैंने, रिजिड थी, इनडिफरेंट थी, इनडिफरेंट मतलब इमोशन नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो उसका रूल है वो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपने हिस्ट्री के बारे में बता दिया और ये बता दिया कि आज की डेट में भी लगभग ऐसा आपको एटीट्यूड देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव बात नहीं करनी है। फिर आप बोलोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस चेंज हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अच्छा नहीं, पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप बताओगे कि सिविल सर्विसेज में सुधारों में कमी रही, हमने लाइसेंस राज अपनाया, नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, उसमें सिविल सर्वेंट्स की पावर और बढ़ गई, और ये जो माई बाप वाला व्यवस्था थी ये इस समय और स्ट्रांग हो गई। आज की डेट में जब हम देख रहे हैं, आज की डेट में कुछ कुछ चेंज हो रहे हैं, तो अभी आप ये बोलोगे कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो था उसकी 1950 से 2000 या उसके बाद तक क्या आपको देखने को मिल रहा है, वैल्यूज रिजिडिटी, आयरन केज, इलेटिस्ट, माई बाप, स्टेटस को, ठीक है, और इसका रीजन क्या रहा, कॉलोनियल हिस्ट्री रही और पोस्ट इंडिपेंडेंस, लाइसेंस राज, नियंत्रण प्रणाली और क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, ये सब रहा। अब आप थोड़ा सा पॉजिटिव तरफ बढ़ोगे कि जनरलिस्ट, हाँ, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि अब ये ब्यूरोक्रेसी आज़ादी के बाद क्या बने, एजेंट ऑफ चेंज बने, परिवर्तन के प्रमुख एजेंट यही हैं, नियम कानून तो लागू कर ही रहे हैं, इनके अंदर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की बात शुरू कर दी गई 1990s से, कि आपको अपने इमोशंस को भी यूज़ करना है, आपको इम्पार्शियल रहना है, इम्पार्शियल का मतलब आप जाति धर्म और इन सब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही इससे रेगुलेट नहीं होगे, लेकिन और आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपको कंपैशनेट भी होना है। अब कोई अधिकारी कंपैशनेट कैसे होगा, यानी कि हम मान रहे हैं कि वेबर जो कह रहा था कि इमोशन नहीं होना चाहिए उसको हम गलत कह रहे हैं। आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी को एक फाइन बैलेंस बनाना है, इमोशन भी रखना है और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी भी रखनी है, ठीक है। तो इमोशन कहाँ आएगा काम, फिर आप ऑब्जेक्टिव रहो, लेकिन जहाँ पर आपको अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना है वहाँ पे आप कंपैशन देखो, वहाँ पे अपने कंसाइंस को सुनो, मतलब जो आपके अंतरात्मा है उसकी आवाज़ सुनो। तो बेसिकली आप शिफ्ट देख रहे हो, शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें अब हम मेरिट बेस्ड चलना है, निष्पक्ष रहना है, सेवा का उद्देश्य से काम करना है, कंपैशनेट रहना है, दयालु रहना है, करुणा आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप अब इसको कहोगे कि हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से किधर जा रहे हैं, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आप क्या बोलोगे, सिंस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज अबाउट, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या क्या चीज खासियत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब माई बाप हम नहीं हैं, हम आपकी सर्विस के लिए हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, आपकी डिग्निटी की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक सॉरी क्या था डिग्निटी की बात करता है, और रिस्पेक्टिंग योर डिग्निटी, फ्लेक्सिबल और पीपल ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड है, ये क्या था, ये रिजिड था, ये फ्लेक्सिबल तो ये रिजिड था, ये डिग्निटी की बात करता था तो ये क्या करता था, इलिटिज्म की बात करता था, जो है हम ही हैं, माई बाप थे, ठीक है, और ये सर्विस ओरिएंटेड है, ये स्टेटस को है, सर्विस नहीं, जो हमारा नियम कानून है उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो
तो इस तरीके से ये पुराना सिस्टम बना हुआ था। लेकिन आप बोलोगे कि आज की डेट में जो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, क्यों? क्योंकि स्टेट का रोल चेंज हो गया है। अब स्टेट का रोल चेंज हुआ तो सिविल सर्विसेज भी चेंज होगी, और पीएम का आप एग्जांपल दे सकते हो कि कैसी कैसी वैल्यूज़ वो बताते हैं। पुराना टाइम क्या था कि अगर कोई पुअर है और उसके सिविल, अब इसमें एक एग्जांपल के साथ आप बता सकते हो कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में अंतर क्या है। कि एक गरीब आदमी है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड वाला क्या कहेगा, रूल फॉलो करेगा कि नहीं आधार नहीं है तो ये तो सिस्टम आपको फ़ायदा मिल ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाला क्या करेगा, कंपैशन फॉलो करेगा, वो ये देखेगा क्या उसका डिस्क्रिशन अलाउ करता है इस काम को करने के लिए। फिर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि जो सुविधा दी जा रही है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस की वो बात करेगा, ठीक है, वो इन चीज़ों से गाइडेड होगा। तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में आप चेंज करोगे कि इसका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में करोड़ा का ध्यान दिया जाएगा, सामाजिक न्याय, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इस तरीके से आप बोलोगे कि हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड से। फिर क्वेश्चन में पूछा था क्या इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको क्या दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, आप बोलोगे कि ठीक है जैसा स्टेट का रोल होता है उस तरीके से दोनों ब्यूरोक्रेसी अपना वैल्यूज सेट करती है। आज की डेट में स्टेट का रोल क्या रह गया है, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वैल्यूज़ को चेंज किया गया है। हाँ, थोड़ा हद तक आपको कुछ कमियाँ दिखेंगी, निगेटिविटीज़ दिखेंगी, लेकिन सरकार भी उनको चेंज करने की कोशिश कर रही है ट्रेनिंग के थ्रू, एटीट्यूड चेंज के थ्रू, है ना, ये सब किया जा रहा है, आपको रोल प्ले कराया जाता है लबासना में, तो इन सब सिस्टम्स के थ्रू उनका वैल्यूज़ को परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। तो आप बोलोगे कि हाँ ट्रेडिशनली ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है लेकिन आज की डेट में नहीं, पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो कहते हैं कि दस मेरिट डेमोक्रेसी सॉरी मेरिट ऑब्जेक्टिविटी कैन कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पैशन विद सोशल जस्टिस। फिर कहता है न्यूट्रलिटी कहाँ कहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में, एग्जाम्पल कुछ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे न्यूट्रलिटी और इम्पार्शलिटी का जो ध्यान देगा वो सिटीजन फ्रेंडली नहीं हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि आप एकदम न्यूट्रल हो जाओ, आप एकदम इम्पार्शल हो जाओ, तो आप फिर सिटीजन फ्रेंडली नहीं दे जाओगे क्योंकि फिर सिटीजन का आप ध्यान ही नहीं दोगे, रूल से इतर कुछ भी हुआ तो नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकता, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे बट वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ब्यूरोक्रेसी इज अ मीन्स टू अचीव डेमोक्रेटिक एंड्स। ब्यूरोक्रेसी क्यों बनाया गया भाई मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि आपको डेमोक्रेटिक एंड्स को प्राप्त करना है, मतलब आप एक साधन हो, एंड क्या है, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, ये है एंड, पावर्टी रिडक्शन, तो आप एक टूल हो। तो इसलिए आज की डेट में अगर आपके एटीट्यूड में कुछ विसंगति है उसको चेंज करना है, और चेंज किसके लिए करना है, इस डेमोक्रेटिक गोल्स के प्रति, तो आपके जो अंदर जो अभिवृत्ति है, आपका जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन करना है ताकि आपका बिहेवियर अलाइन हो किसके साथ, आपके डेमोक्रेटिक गोल्स के साथ। इस तरीके का आप कुछ क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो। थोड़ा सा हैफजर्ड हो गया मुझे लग रहा है, एक बार फिर से हम वो कर लेते हैं इसका रिवीजन। हमने पढ़ा देखिए एटीट्यूड जो होता है वो आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में अंतर होता है। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव होता है। अच्छा, इंडिया में ये निगेटिव क्यों रहा, क्योंकि ये वेबर से प्रभावित था और ब्रिटिश लोग जो थे उनके जो भी इंटरेस्ट थे उसको इसको फुलफिल करना था, यानी कि लोगों को ऑपरेशन करना है, स्टेटस को मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें करनी थी, ठीक है। अब इसमें आप कुछ वैल्यूज़ लिख दोगे, जैसे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, माई बाप, स्टेटस को, इलिटिज्म, कॉम्प्लेसेंसी, ये सब लिखोगे फिर, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमने जो सिस्टम अपनाया, लाइसेंस राज, ये सब, उसकी वजह से इनके एटीट्यूड में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की तरफ बढ़ोगे कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या क्या होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो पीपल ओरिएंटेड होता है, वो सर्विस ओरिएंटेड होगा, वो सोशल जस्टिस की बात करेगा, माई बाप नहीं है, वो सर्विस है, सर्वेंट्स हैं आपके, वो सब बात करेगा। तो फिर आप ये बोलोगे कि सिविल सर्विसेज की वैल्यूज चेंज करने की कोशिश करी जा रही है अब, क्यों? क्योंकि स्टेट का रोल चेंज हुआ है, क्योंकि अब स्टेट का रोल जो है वेलफेयर अप्रोच है, वेलफेयर वाला स्टेट है इंडिया में, तो अब डेमोक्रेसी को भी सॉरी ब्यूरोक्रेसी को भी इसके हिसाब से अपने मूल्यों को चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे इसीलिए पहले भले हमको आज़ादी के बाद कुछ टाइम तक या आज़ादी से पहले भले ही दोनों के अंदर एक विसंगति मिलती थी, ये इधर जा रहा था ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इधर था,
या डेमोक्रेसी के गोल सिद्धार्थ हैं। आज की डेट में हम इन दोनों के बीच के जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, ट्रेनिंग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, आपके अंदर कंपैशन के थ्रू। आपको कहा गया कि ऑब्जेक्टिव तो फॉलो करो लेकिन कंपैशन भी फॉलो करो, तो ये आप इस तरीके से एक डायरेक्शन लेके चलोगे। और लास्ट में फिर आप क्या बोल सकते हो कि एक कंक्लूजन के रूप में कि जो डेमोक्रेटिक आप एक टूल हो किस लिए, ताकि डेमोक्रेटिक एंड्स को अचीव किया जा सके। इसलिए आपके अंदर अगर कोई विसंगति है तो उसको ट्रेनिंग या अन्य मेथड्स के थ्रू चेंज करके इसके यानी कि डेमोक्रेटिक गोल्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।